असलम मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम टू माई चैनल आई होप आप सब मज़े में होंगे अलहद हम भी बिल्कुल ठीक ठाक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो कल इसको सब्सक्राइब कर दीजिए टुडे वी आर गोइंग टू मेक लोकी मात जिंगो डम्पलिंग्स भी कहते हैं ये एक अरेबिक स्वीट है जिसको डेज के सिरप के साथ हनी की ड्रिजलिंग के साथ या फिर शुगर सिरप के साथ ड्रिजल करके और ऊपर सस् में सीट के टॉपिंग के साथ सर्व किया जाता है ऊपर से ये सुपर क्रंची होते हैं हो, अंदर से सुपर सॉफ्ट बहुत ही इजी स्वीट की ये डिजर्ट रेसिपी है लेट्स स्टार्ट रेसिपी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ बाउल एंड ऐड वन टेबल स्पोन एक्टिव ये सैनेट अलॉन्ग विद दैट हम इसके अंदर एड करेंगे वन ओवर फोर कप लूकम वाटर यानी नीम गर्म पानी बॉयलिंग वाटर या ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं उस करना इससे हमारी ये जो है वो एक्टिव नहीं होगी हो, उल्टा वो डेड होने की तरफ चले जाएगी और हमारा जो मिक्सचर है ये भी राइस नहीं करेगा साथ ही हम इसके अंदर एड करेंगे वन ही टेबल स्पून शुगर का जो कि ये इसका फूड है क्वार्टर टी स्पून मैंने इसके अंदर एड किया सॉल्ट और वन टी स्पून मैंने इसके अंदर एड किया है बेकिंग पाउडर का नॉट बेकिंग सोडा इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा और साथ में वन टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगा ऑयल का अब ये सारे टेबल स्पून और टी स्पून मैंने मयरिंग टेबल स्पून और टी स्पून यूज़ किए ना इसलिए इसको मिक्स करें अच्छे से हमारे जो सॉल्ट है शुगर है और ये अच्छे से डिजॉल्व हो जाए आफ्टर मिक्सिंग हम इसके अंदर ऑल पर्पज़ फ्लोर ऐड करेंगे जो कि मैं ऑलमोस्ट वन कप ले रही हूँ हाफ मैयरिंग कप मैं यूज़ कर रही हूँ इस वजह से मैं दो दफ़ा इसको मैयर करके डालूंगी हाफ हाफ एक टू वन कप मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर को अच्छे से सिफ्ट करके यूज़ किया उसके बाद इसके अंदर जाएगा वन टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर यानिंग कॉर्न स्टार्च उसके बाद एक फोक ले लें ले, या स्पून ले लें या स्पैचुला ले लें किसी की भी हेल्प से आप इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें और इसकी नाइस सी पेस्ट बना लें बहुत थिक सी स्लरी टाइप पेस्ट इसकी बनेंगी नो नीड रेसिपी है ये इसमें नीडिंग नहीं होनी ना आपके हाथ गंदे होंगे जस्ट स्पून और स्पैचुला से सारा काम डन हो जाएगा जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम फिर इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे और वाटर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मोस्ट बाद में भी वन ओवर फोर कप मैंने वाटर यूज़ किया था जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था बिल्कुल ही एक साथ तीन डाल देना जितना रिक्वायड होगा बस उतना लें आफ्टर कम्प्लीट मिक्सिंग ये जी छई थी हमारी डो के कुछ देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं किस तरह की है सेम इसी तरह की आपकी डो नहीं चाहिए फिर ये आपके जो लुकी मत है या जो डम्पलिंग्स इसको कहते हैं ये बाहर से करंची और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे अब इसको क्लिंग फॉल से अच्छी तरह रैप करें और इसको एटलीस्ट वन आवर के लिए राइस होने के लिए छोड़ दें सो दिस इज़ अ लुक ऑफ फॉर डम्पलिंग और लुकी लुकीमत डो एग्जैक्टली आफ्टर वन आवर एज यू कैन सी कितनी अच्छी तरह हमारा जो डम्पलिंग की डो है वो राइस की है कितनी अच्छी तरह प्रूव हुई है जब भी आपने अपनी डो को राइस करना हो तो मेक श्योर आप इस ओके सी गर्म जगह के ऊपर रखें तभी जाके अच्छी तरह प्रूव होता है अब इसको तो दो स्पैचुला से इसको अच्छे से मिक्स करके इसके बबल्स को रिमूव कर दें अदर साइड पे जी मैंने पैन में ऑयल डाल के रख दी है गर्म होने के लिए ऑयल गर्म होना चाहिए मेक श्योर ज़्यादा होट ना हो कि नुकेम डालते ही आपका बिल्कुल बर्न होना स्टार्ट हो जाए गर्म हो बट मेक श्योर ज़्यादा गर्म ना हो और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने कुक करना है लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हाई फ्लेम के ऊपर नहीं करना अगर हाई पे करेंगे तो जल्दी से बाहर से तो कलर आ जाएगा अंदर से यहाँ तो कच्चे रह जाएंगे यहाँ तो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे यानी इतने सॉफ्ट बनेंगे कि बाहर से भी सॉफ्ट रहेंगे और अंदर से भी सॉफ्ट परफेक्ट डंपलिंग्स या लुखीमत बनाने का वे ये है कि आपका टेम्परेचर लो होना चाहिए और ऑयल गर्म होना चाहिए और मीडियम गर्म ताकि आप रुकी मत डालें वो कुक होने में थोड़ा टाइम लें तब भी बाहर से वो क्रंची बनती है और अंदर से सॉफ्ट बनती है सो दिस इज़ द की पॉइंट नौ फाइनल स्टेप है डम्पलिंग्स या लोकमत की फाइन का इसमें आप स्पून यूज़ करके भी डम्पलिंग को पोर कर सकते हैं जैसे हम पकौड़े बनाते हैं वैसे या फिर जो इसका ट्रेडिशनल वे जैसे अरब बनाते हैं वो यहाँ तो डम्पलिंग मशीन यूज़ करते हैं या बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में अगर चले जाए यहाँ पर अभी लोगों के तो वो हाथ में पकड़ के उसको पिंच करते हैं उसका वो कोफ्ते की तरह ऊपर बोल बनाता है उसको चम्मच से रिमूव करते हैं ऑयल के अंदर पोर कर देते हैं मैं भी सेम उसी मेथड से बनाऊंगी बट मेक श्योर यू हैंड्स आर ट्रेन मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो मैं एक शूटिंग कर पाऊंगी इस क्लिप को तो उसी से ही परफेक्ट शेप आई तो मैं आपको करके दिखाती हूँ स्पोन से कि किस तरह मैं ड्रॉप करूंगी इसको ऑयल में गेल इंच बिस मिल रहा है हमने स्पोन की हेल्प से इसके अंदर ऐड कर दिया जैसे ही हीट लगेगी हमारी डम्पलिंग दो को ये फॉरन पॉपॉ के ऊपर आएगी लाइक like दिस इसी तरह जी अब मैं बाकी के भी डंपलिंग्स को ऐड कर लूँगी अपने ऑयल के अंदर और आपने साइज़ छोटा रखना है क्योंकि ये आप जिस साइज़ का डालेंगे तो वो ये अपने साइज़ से ट्रिपल हो जाती है तो देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है इसको आप टर्न करेंगे तो ये फिर से मोड़ जाएंगे तो इसको बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इसको टर्न करने के साथ साथ स्पैचल की हेल्प से इस, इस तरह नीचे प्रेस पर करते के ताकि जो साइड कुक नहीं हुई वहाँ पर भी ऑयल आ जाए हार्डली वन मिनट का टाइम दे तैग को कुक करने में इससे ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना क्योंकि फिर ये इतने हार्ड हो जाएंगे हो कि आपके दांझे टूट जाएंगे खा, खाते खाते <laughs> जस्के अच्छा जी बस इसी तरह हम अपने सारे डुकीमत दु, दु, की डोक को फ्राई कर लेंगे छोटे छोटे बॉस में और जब ये सारे फ्राई हो जाएंगे तो हम इसके ऊपर ट्रेसल करेंगे डेढ़ सीरप અને ભી કર સકતે હે બટ જો ઓથેન્ટિક રેસિપી હે उसमे ડેટ સિરપ હી હે ઓર ડેટ સિરપ આપ કહી સે ભી કિસી ભી grocer store સે આરામ સે મિલ જાયેગા ઇસકો અચ્છી તરહ ઉપર ડ્રિઝલ કર લે ચારો સાઇડ સે ઓર મુજે બહોત 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 જ્યાદા પસંદ હે ડેટ સિરપ ટોકિમેટ કે ઉપર આફ્ટર ધેટ હમ ઇસકે ઉપર સ્પ્રિંકલ કરેંગે સેસમી સીડ્સ આપ અપને મર્સી કે અકોર્ડિંગ ઇસકી ક્વોન્ટિટી કો કમ કે જ્યાદા કર સકતે હે મુજે જ્યાદા પસંદ હે મેને સદha સ્પ્રિંકલ કી હે આઈ હોપ આપકો મેરી યે રેસિપી डिज़र्ट की अरेबिक स्वीट की रेसिपी अच्छी लगी होगी ये टी टाइम स्नैक के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्नैक है इसको ट्राई करें और अपने रिव्यूज़ अपने फ़ीडबैक्स लाजमी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपनी दुआ में याद रखें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी दुआ में याद रखिए तब तक के लिए अल्लाह अल्लाफ